नहीं। दूसरा भाई का सवाल था कि कभी व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें भेजते हैं, कोई चीज़ अगर इंसान ना माने तो बोलते तुम काफिर हो गए इसलिए कि तुमने माने नहीं। जैसा कि मुझे भी एक बार मैसेज आया, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इतने लोगों को भेजो, आप उन्हें अगर नहीं भेजे, अब तक नहीं भेजाऊंगा तो आप काफिर होने वाले है। मैं काफिर कैसे हो जाऊंगा, कलमा नहीं, कलमे को आगे नहीं बढ़ाया ना कुफ्र। लॉजिक देखो, कलमे को आगे नहीं बढ़ाया ना कुफ्र। मैं कलमे को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं इनकार थोड़ी कर रहा हूँ जो कुफ्र हो जाऊंगा, नहीं कुफ्र। तो बहरहाल ये अजीब लोग होते हैं और ये इंटरनेट के जो मुसलमान जो उससे जुड़े होते हैं अक्सर, वो उनका जज्बा ही अलग रहता हो, वो अजीब जज्बा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ। चूँकि वो एक अजीब जज्बा, एक अजीब लहर है कि यहाँ तो शदीद गुस्सा आता कि मेरे भाई पे वहाँ जुल्म हो रहा है, उसका खून खोल जाता और घर से बाहर निकल के एक बाजू वाले को मार रहा तो और मारो उसको, बहुत तंग करता उधर जुल्म पे तकलीफ है और पड़ोसी के जुल्म पे को कुछ भी, समझ रहे हो। तो एक अजीब, वो एक अच्छी बात है उम्मत के लिए खैरख्वाही और जज्बा, या फिर पर्दे के बारे में अहकाम डिस्कस हो रहे हैं और किससे हो रहे हैं, खुद गैर महरम से। एक साहब मुझे एक बार क्या किए फेसबुक पे और कहा, फैज भाई, एक खातून थी और एक लड़का था शायद, और दोनों बहुत मुझसे बहस करने लगे। जनरली मैं चैट वगैरह नहीं करता हूँ लेकिन एक बार वो मेरे उसमें कमेंट देने लगे, आप अपनी फ़ोटो निकाल दीजिए, लड़कियाँ उस पर कमेंट दे रही, माशाल्लाह सुभानअल्लाह लिख रही है, देखिए फैज भाई आपकी फ़ोटो से फितना हो रहा है, ये हो रहा है। तो मुझे बहुत वो हुआ, शर्मिंदगी, यार शायद ये बात सही कह रहा है कि लोग कमेंट कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए फ़ोटो पर। जनरली वैसे मैं बदलता नहीं हूँ, एक ही फ़ोटो मेरी इतनी 7-8 सालों में, लेकिन फिर भी उस पर नहीं होने वाला, ठीक है इतने को भी सोचेंगे अपन, इतना लोग इसलाह कर रहे हैं अपनी, निकाल देंगे। मैंने गया उसके प्रोफाइल पे कि यार बच्चा कौन है बेचारा मेरी इतनी इसलाह कर रहा है, वो लड़की कौन है बेचारी इतनी। तो इसके प्रोफाइल पे गया तो एक औरत की आधी बरहना फ़ोटो उसके लाइक्स में सेलिब्रिटीज़, और वो मुझे नसीहत कर रहा है कि मैं अपनी फ़ोटो निकाल दूँ। उसके लाइक्स में फिल्म स्टार्स की इतनी लंबी फहरिस्त किसी को इंतहा नहीं। ठीक, अब मैं इससे पहले कुछ कमेंट करता, एक दूसरे साहब जो मेरे प्रोफाइल को देख रहे थे कि ये आदमी कमेंट करा, उन्होंने जाके उसका प्रिंट स्क्रीन ले लिया, शॉट ले लिया उसके उसका, और आकर नीचे कमेंट में नीचे डाल दिया मेरा चरित्र। मतलब फैज भाई को कमेंट कर रहा और तेरी दोस्त देख कौन है और क्या है। तो दोनों भाग गए निकल के, उनका अकाउंट ही बंद हो गया थोड़े दिन बाद, मतलब बंद कर दिया उन्होंने कि यार फंस गए। और वो लड़की के कई दोस्त जो उसको कमेंट कर रहे, बहुत स्मार्ट लग रही और फोटोवां डाली हुई उसने पूरी अपनी, कभी यहाँ चिपक के खड़ी, कभी वहाँ चिपक के खड़ी, और 100-100 कमेंट्स पे वेरी गुड माशाल्लाह, और मुझे बोल रही कि फैज भाई आपकी फ़ोटो पर लोग लड़कियाँ कमेंट दे रही, बोले क्या माशाल्लाह इंशाल्लाह, हो सकता कल को कुछ गलत करे, अच्छी सोचती उसकी। लेकिन खुद के प्रोफाइल को तो देखो आप, हज़ारों लड़कों के कमेंट्स उस पर, मतलब हमारा चलता, हम तो दिन की बात कर रहे ही नहीं ना, तुम कर रहे हो, तुम 100% मुसलमान होना फिर। तो ये नेटवर्किंग का थोड़ा सा जज्बा एक अजीब रहता। तो बहरहाल दीनी मामलों में मैं ये दुरुस्त नहीं समझता हूँ, और इसमें तो ऐसा हो गया, एक साहब एक बार मैसेज करें, ए अल्लाह, उसमें बहुत सारी दुआएँ और आखिर में लिखा हुआ ये सारी दुआएँ उसके लिए जिसने मेरे को मैसेज भेजा है, और उसमें ये भी लिखा हुआ कि अल्लाह इससे गुनाह माफ़ कर दे, मेरे पे जो इसका कर्ज़ है वो भी माफ़ कर दे, सब लिखा लिया उसने पहले, और नीचे लिखा हुआ अल्लाह सामने जिसने मैं उसके हक़ में दुआ कबूल कर, और फिर नीचे मैसेज आ गया पूरा, बोले जो देना था वो भी ख़त्म और जो अपना हुआ था वो मामला सब तरफा दफा हो गया, तुमने आमीन बोल दिया ना, बोले उसमें हो गया, बोले ये सब क्या है। तो ये मीडिया का चक्कर है और ये सब फालतू चीज़ें, कलमा आगे भेजो, ये सवाब, ये सब सवाब नहीं, अगर होता तो जाके गैर मुस्लिमों को बताओ वो कलमा, फिर पता चलता सवाब कैसा मिलता, सवाब भी मिलेंगे और डंडे दोनों भी मिल सकते हैं। वो असल है ना, कलमे को बढ़ाओ, मुसलमान तो जानता है ला इलाहा इल्लल्लाह, गैर मुस्लिम को बोलो कि कलमा है, इसका माना, इसका मफहूम, ये वो एक अलग चीज़ है। तो बहरहाल तीसरा।